वेलकम दोस्तों। बच्चों पिछली क्लास में हम लोग 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 आज हम लोग देखेंगे। इन द गिवन फिगर प्रूव दैट, आपको यहां पर प्रूव करना है CD प्लस DA प्लस AB ग्रेटर देन BC। और बच्चों सेकेंड पार्ट है CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC ग्रेटर देन 2AC। ये फिगर आपको दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप ध्यान दें, एक फिगर दिया गया है यहां पर कुछ इस तरह से। A, B, C और D यहां पर गिवन क्या है? गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। बच्चों यहां प्रूफ करना है CD प्लस DA प्लस AB ग्रेटर देन BC। और दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC ग्रेटर देन 2AC। बच्चों ये दो पार्ट हैं जो आपको प्रूव कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दें यहां पर दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। बच्चों आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे CD प्लस DA ग्रेटर देन CA। आप ध्यान दें CD और DA, CA से क्या होगा? ग्रेटर। आपको पता है कि एक ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, इसको हमने 1 बना लिया। बच्चों अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ABC की, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। तो यहां पर आप लिखेंगे AB प्लस CA ग्रेटर देन AB प्लस CA ग्रेटर देन BC। दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 और 2। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे CD प्लस DA प्लस AB प्लस CA ग्रेटर देन CA प्लस BC। देखिए हमने इस तरह से इनको अरेंज किया है कि CA दोनों साइड पे आए, तो यहां पर हम CA से CA को कैंसिल कर सकते हैं। इससे जो हमें प्रूव करना है वो आसानी से मिल गया, CD प्लस DA प्लस AB ग्रेटर देन BC, ये आपने प्रूव कर दिया, यही आपको प्रूव करना था। ये आसानी से प्रूव हो गया, आप देख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, तो ये तो पार्ट 1 रहा, अब यहां पर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं। आप ध्यान दो 2AC लाना है, यानी इस साइड में अब हम लोग AC को रखेंगे। तो फिर से आप ट्रायंगल ACD की बात करें तो CD प्लस DA ग्रेटर देन CA लिख चुके हैं। अब इन ट्रायंगल ABC, बच्चों अब क्या लिखोगे आप? अब लिखोगे आप BC प्लस AB ग्रेटर देन CA, नंबर 3। अब फर्स्ट को और 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें एक साइड में CA चाहिए तभी 2CA मिलेगा प्रूविंग के अकॉर्डिंग। तो एडिंग 1 और 3, बच्चों एक तरफ क्या मिलेगा?
CD plus DA plus BC plus AB greater than CA plus CA. Therefore, we have CD plus DA plus AB plus BC greater than 2AC. यही आपको प्रूव करना था। तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। इसके पहले शुरुआत से सारे वीडियो देखें ताकि ये चीजें आपको बहुत आसान लगें। जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखेंगे उतना ये चीजें आसान लगेंगी। साथ में आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा इफ ओ इज अ पॉइंट विद इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के बीच में कहीं पे पॉइंट ओ है, आपको प्रूव करना है दो साइड का सम ग्रेटर होगा ओबी और ओसी से, एबी बीसी सीए का सम ग्रेटर होगा ओए ओबी ओसी से, ओए ओबी ओसी ग्रेटर होगा 1/2 एबी प्लस बीसी प्लस सीए से। तीन पार्ट प्रूव करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 में आपसे कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, बीच में कहीं पॉइंट ओ है, ज्वाइन करा दें ओ ए ओ बी और ओ सी, ज्वाइन करा दिया। आपको गिवन है ट्रायंगल एबीसी एंड ओ इज एनी इंटीरियर पॉइंट, एनी इंटीरियर पॉइंट मतलब ओ बीच में कहीं पे भी आप ले सकते हैं। पहले पार्ट की बात करेंगे, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अगर ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें, इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो बच्चों आपको अच्छे से पता है कि ए बी ग्रेटर होगा ओ बी से, क्यों, क्योंकि ए बी सी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के इंटीरियर में कोई पॉइंट ओ है तो ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों ही साइडों से क्या होंगे, हमेशा छोटे होंगे। इसी तरह से इसको वन बना लिया, इन ट्रायंगल ए ओ सी आप लिख सकते हो ए सी ग्रेटर देन ओ सी, दोनों को ऐड कर देंगे फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड, बच्चों आपको क्या मिल जाएगा ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी, यही आपको प्रूव करना था। पहला पार्ट बच्चों हो गया, सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में आपसे प्रूव करने के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
greater than OA, OB और OC। तो इसका प्रूफ भी स्टार्ट करते हैं। दो चीजें तो आपको पता थी, तीसरी चीज आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल BOC। बच्चों क्या लिखोगे? यहां पर देखिए AB मिल गया है, AC भी मिल गया है, BC हमें चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? BC इज ग्रेटर देन OC। OB है OC, OA। देखिए यहां पर OB मिल गया आपको, OC मिल गया, जरूरत है OA की। तो नहीं, आपको फिर से लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल BOC, BOC। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिखेंगे? BC इज ग्रेटर देन OB। इसको तीन नंबर बना लेते हैं। इन ट्रायंगल BOC, BOC, इस वाले ट्रायंगल में BC बड़ा होगा OB से। इसी तरह से इन ट्रायंगल, या यहां से देख लें आप, इन ट्रायंगल AOC। बच्चों आप लिखोगे CA AOC, CA ग्रेटर होगा OC से। नंबर चार, सॉरी, इन ट्रायंगल AOB आप लिखोगे AB ग्रेटर होगा OA से। अब आप सीधे सीधे 3, 4, 5 को ऐड कर दें। एडिंग 3, 4 एंड 5। बच्चों आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन OA, OB और OC। यही आपको प्रूव करना था सेकेंड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है OA, OB, OC ग्रेटर देन 1/2 AB, BC और CA। ये आपको थर्ड पार्ट में प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ट्रायंगल AOB लेंगे सबसे पहले। इन ट्रायंगल AOB आप देख सकते हो, ट्रायंगल AOB में आप क्या लिखोगे? OA प्लस OB, OA प्लस OB ग्रेटर देन AB। नंबर छह, इन ट्रायंगल BOC। बच्चों आप लिखोगे OB प्लस OC ग्रेटर देन BC। आप लिखोगे इन ट्रायंगल AOC, आप लिखोगे OC प्लस OA ग्रेटर देन CA। अब आप समझ सकते हैं जो प्रूव करना, उसके अकॉर्डिंग तीनों को ऐड कर दिया जाए। एडिंग 6, 7, 8, एडिंग 6, 7 एंड 8। आप तीनों इक्वेशन को यहां पर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? OA टू टाइम, टू कॉमन ले लिया, OB टू टाइम प्लस OC टू टाइम ग्रेटर देन AB, BC, CA। बच्चों टू को उधर भेज दें तो प्रूव हो जाएगा OA प्लस
OB plus OC greater than 1 by 2, AB, BC और C, आपको यही प्रूव करना था। बस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, बार बार खुद भी लगाने की कोशिश करें, चीजें आपको आसान लगेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं, इन गिवन फिगर आपको फिगर दिया गया है, एडी और बीसी परपेंडिकुलर हैं आपस में, सीडी ग्रेटर है बीडी से, शो दैट एसी ग्रेटर है एबी से, आपको ये प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। आप ध्यान दें, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी ये परपेंडिकुलर है। यहां पर गिवन क्या है बच्चों? गिवन है एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड CD greater than BD, ये आपको दिया गया है। प्रूव आपको क्या करना है? आपको प्रूव करना है AC greater than AB, ये आपको प्रूव करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दें, एंगल ADB, सिंस AD परपेंडिकुलर है BC के, इसलिए बच्चों एंगल ADB इक्वल होगा ADC के, इक्वल होगा 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर आपको दिया गया है। सिंस CD इज ग्रेटर देन BD, तो CD के सामने का एंगल ये वाला यानी DAC ग्रेटर होगा BD के सामने एंगल से, तो BD के सामने एंगल हम लिख सकते हैं DAB या BAD। अब एंगल बी ए डी, बच्चों यहां पर 90 से हमने दोनों को माइनस कर दिया, एंगल डी ए सी ग्रेटर देन 90 माइनस एंगल बी ए। बच्चों ध्यान दें, ये 90 है, यानी इन दोनों एंगल का सम भी 90 होना चाहिए। तो अगर इस वाले एंगल को 90 से माइनस करते हैं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी एंगल बी लिख सकते हैं इसकी जगह, एंगल बी ग्रेटर देन 90, ये हो गया, और इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर हम 90 से डी ए सी माइनस कर देते हैं, देखिए 90 से डी ए सी माइनस किया, बच्चों एक चीज ध्यान दें, जब किसी चीज को 90 माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। क्यों साइन चेंज हो जाएगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव, जो क्वांटिटी है पॉजिटिव थी जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया ये, तो साइन ग्रेटर वाला चेंज हो जाता है लेस में, या लेस वाला ग्रेटर में। फिर हमने 90 दोनों तरफ ऐड किया, ठीक है। तो अगर इस एंगल को 90 माइनस करेंगे तो साइन यहां पर चेंज हो जाएगा। बच्चों 90 माइनस डी ए सी, DAC, अगर 90 माइनस DAC हम करेंगे तो हमें एंगल C मिलेगा। तो यहां पर बच्चों एंगल आपका आ जाएगा एंगल C लेस देन 90 माइनस BAD, अगर 90 से इसको माइनस करेंगे तो एंगल B आ जाएगा। इसको आप पलट के लिख लें, एंगल B
ग्रेटर देन एंगल सी। बच्चों यही आपको प्रूव करना था कि बी के सामने साइड क्या होगी, तो बी के सामने आप साइड देख सकते हो ए सी ग्रेटर देन सी के सामने साइड ए बी। बच्चों यही आपको प्रूव करना था। ये कंप्लीट हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, इन द गिवन फिगर डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ई इज पॉइंट सच दैट सी डी इज इक्वल डी ई। सी डी और डी ई ये लेंथ आपस में इक्वल दी गई है। आपको प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी ई, इन दोनों साइड का सम इससे बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, यहां पर आपको ट्रायंगल एक दिया गया इस तरह से, बी सी ए ई डी। गिवन क्या है आपको, तो गिवन है सी डी इज इक्वल डी ई। सी डी इज इक्वल डी ई ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो आपको प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी, आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूव। बच्चों इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हो, किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होता है। तो एबी प्लस एसी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी नंबर वन। दूसरी बात, इन ट्रायंगल बी ई डी, इन ट्रायंगल बी ई डी आप लिख सकते हो दो साइड का सम बी डी प्लस बी डी प्लस ई डी या डी ई ग्रेटर देन बी ई। बच्चों ये स्टेप चेंज करके आप लिख सकते हो यहां पर बी डी प्लस डी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ई की जगह सी डी लिख सकते हैं, गिवन है डी ई की जगह सी डी लिख सकते हैं ग्रेटर देन बी। अब आप ध्यान दो बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी हो जाएगा बी सी, बी सी ग्रेटर देन बी ई। ये हो गई इक्वेशन नंबर बच्चों फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, इन दोनों से छोटी है और इनसे छोटी बी ई है, तो आप यहां पर बी ई लिख सकते हो। बच्चों यही आपको प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी 9B। तो बच्चों वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्वेश्चंस ये आसान लगे। धन्यवाद।